अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये है गुलिस्तान जौहर का ब्रिज। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम है और यहाँ पर जो आरजे माल था इसको खोल दिया गया है। काफ़ी दुकानें जो है ना यहाँ पर खुली नज़र आई हैं। सोचा कि आपको जो है ना अपडेट दे दें कि दुकानें जो है ना खुल चुकी हैं। लाइट का शायद इशू है, बार बार की दुकानें तो हमें नज़र आई हैं, तो सोच रहे थे हम लोग जो है ना आपको ये खुशखबरी दे दें कि दुकानें जो है ना खुलना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें, ये काफ़ी हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की कि यार इसको खोलो खोलो, तो अब ये दुकानें खुल चुकी हैं। ये देखें, अब हम आगे की तरफ जाएंगे, आपको बताएंगे। बार बार की दुकानें थी वो माशाल्लाह से खुलना शुरू हो चुकी हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आएँ ख़रीदारी करें। दुकानें खुलना माशाल्लाह से शुरू हो चुकी हैं। ये आरजे माल जो है ना काफ़ी दिनों से बंद था, बिजली का इशू है ना अभी, बिजली नहीं। अच्छा हाँ, बिजली भी अभी नहीं आई, लेकिन दुकानें जो है ना माशाल्लाह से खुलना शुरू हो चुकी हैं। लोग काफ़ी दिनों से जो है ना बेरोज़गार हुए थे यहाँ पर, कारीगर भी और दुकानदार हजरात भी, तो अब जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े वपड़े ये वो हर चीज़ दुकानें। अच्छा मार्केट के अंदर, अभी मार्केट के अंदर जाऊँगा, अंधेरा होगा ना, मार्केट के अंदर जाऊँगा अंधेरा होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा घुमा के कैमरा दिखा दूँगा कि अंदर की सारी खुली हुई हैं, अंदर की खुली हुई दुकानें। तो मार्केट के अंदर चलेंगे, अगर खुली हुई तो दिखा देंगे। ये देखें, यहाँ पर काफ़ी जो है ना यहाँ पर कपड़ों की दुकानें और गारमेंट्स वगैरह के वाले से जो है ना दुकानें थी। ये सारा जो है ना ट्रैफिक अक्सर यहाँ पर जाम रहता है। आरजे माल है ये, बच्चों के हवाले से, और मेरे ख्याल से अंदर का रास्ता किधर है? ये देखें दोस्तों, तो अब यहाँ पर जो है ना लोगों ने क्या नाम है उसका, जनरेटर या यूपीएस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से तो लाइटें वगैरह बंद हैं, अंधेरा हो रहा है, तो हम अंदर जाके मैं क्या करूँ। लेकिन ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मार्केट खुल गई है। वो जो रौनक थी ना दोबारा आना शुरू हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना अंधेरा है, पता नहीं मेरे स्क्रीन में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि वो जो रौनकें थी जो बहुत पहले जो है ना जलने से पहले जो रौनकें थी वो दोबारा आना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। लेकिन लाइट का थोड़ा सा इशू है, तो लाइट को भी जो है ना थोड़ा सा आना चाहिए। पता नहीं यूपीएस चल रहे हैं क्या चल रहे हैं, यूपीएस चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो है। लेकिन रोज़गार जो बेरोज़गार हुए हैं लोग, जो काफ़ी यानी कि दुकानदार भी और ऊपर से इनके मज़दूर भी जो है ना, तो अब ये खुल गया है, मुबारक हो, आप आ सकते हैं ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अंधेरा है। देखें लोग बैटरियों से काम कर रहे हैं, देखें दोस्तों लाइट आनी चाहिए, क्योंकि दुकानें जब खुल गई हैं तो लाइट भी आनी चाहिए ना। ये देखें लोग बैटरियों से काम कर रहे हैं, अब क्या बंदा कारोबार करेगा, कब तक बैटरी चलेगी? कारोबार नहीं है, तुम लोग लाइट भी नहीं दे रहे, पैसे में पेमेंट पहले रहेगा और लाइट नहीं है, क्या मुसीबत है। बस अल्लाह ताला ने अब ये खोल दिया, दुकानें खुल गई हैं, तो अब लाइट भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। तो बाहर चलते हैं, अंधेरे में पता नहीं किस तरह की बनी है, लेकिन ये कि फिर भी काफ़ी लोगों का यहीं से चाहेंगे इजाज़त दोस्तों, और आप लोग आ सकते हैं ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अंधेरा है, लाइट आनी चाहिए, क्योंकि दुकानें खुल गई तो फिर लाइट भी आनी चाहिए। तो इजाज़त चाहते हैं दोस्तों आरजे माल से, अल्लाह हाफिज़।